स्वागत है आपका पीआर इंस्टीट्यूट ओनली सक्सेस पॉइंट में। बात करते हैं आज हम कलकत्ता ग्रुप के बारे में। इससे पहले हमने भारत में सर्वप्रथम कला ग्रुप यंग तुर्कस के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे कलकत्ता ग्रुप के बारे में, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना किसने की थी, कौन उसके प्रमुख सहयोगी कलाकार रहे थे और उनके प्रमुख कलाकार और प्रदर्शनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो आज हम चलिए डिस्कस करते हैं कलकत्ता ग्रुप के बारे में। तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, आइए नोट करते हैं हम। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1943 ईस्वी में। कहां हुई थी, बंगाल में हुई थी। कहां हुई थी, बंगाल में हुई थी। और किसने इसकी कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी, तो प्रदोष दास गुप्ता ने इसकी स्थापना की थी। यानी कि प्रदोष दास गुप्ता जो थे एक मूर्तिकार थे और इन्होंने जो है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी। और इनके प्रमुख सहयोगी कौन थे, तो प्रमुख सहयोगी इनके प्रमुख सहयोगी थे नीरद मजूमदार। देखिए एग्जाम में आ जाता है कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी, तो आप प्रदोष दास गुप्ता लगा सकते हैं। अगर वहां प्रदोष दास गुप्ता नहीं है, नीरद मजूमदार है, तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ उनके प्रमुख सहयोगी माने जाते हैं। ठीक है, तो कलकत्ता ग्रुप के जो सदस्य थे उनका जो चित्रण विषय है वह क्या रहा था, तो आप इसको नोट कर लेंगे। कलकत्ता ग्रुप के सदस्यों का चित्रण विषय क्या रहा था, लोक कला, लोक कला रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कलकत्ता ग्रुप के जो सदस्य थे उनका जो चित्रण विषय यानी कि आधार क्या रहा था, वो लोक कला रहा था। तो प्रदोष दास गुप्ता ने अपना वक्तव्य दिया था, तो प्रदोष दास गुप्ता के अनुसार देखिए उन्होंने क्या कहा था। प्रदोष दास गुप्ता के अनुसार इन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो है वो सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि है, इस उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। कला जो है, कला अंतर्राष्ट्रीय और स्वयं पर आश्रित होनी चाहिए। तो ये पूछ लिया जा सकता है कि व्यक्ति सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कला अंतर्राष्ट्रीय और स्वयं पर आश्रित होनी चाहिए, यह किसने कहा था, तो यह प्रदोष दास गुप्ता ने कहा था। तो इसके मुख्य बिंदु पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और अब इसके बात करते हैं हम इसके प्रमुख कलाकारों के बारे में। तो प्रमुख कलाकार, देखिए प्रमुख कलाकार कौन कौन रहे, तो नंबर एक प्रदोष दास गुप्ता ये एक मूर्तिकार थे, यानी कि मुख्यतः मूर्तिकार रहे हैं। नीरद मजूमदार नंबर तीन पे है, गोपाल घोष नंबर चार पे है, हेमंत मित्र, और यहां नोट कर लेंगे आप, नंबर पांच पे है रथिन मित्रा, और नंबर छह पे है
आपके परितोष सेन, और नंबर 7 पे है राम कृष्ण पाल, और नंबर 8 पे है गोवर्धन सेन, और नंबर 9 आप यहां नोट कर लीजिए, नंबर 9 पे है सुनील माधव सेन, सुनील माधव सेन, और नंबर 10 पे है आपके कमल दास गुप्ता, कमल दास गुप्ता, यह एक मूर्तिकार थे, कमल दास गुप्ता जो थे वो भी मूर्तिकार थे, तो ये इनके प्रमुख कलाकार थे। तो इसमें जब कलकत्ता ग्रुप की 1943 ईस्वी में स्थापना हुई थी तो तब इसके 8 सदस्य थे, 2 सदस्य इसमें बाद में आकर के मिले थे। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे, आपने नोट कर लिया होगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना के समय इसमें 8 सदस्य थे, बाद में 2 सदस्य शामिल हुए, बाद में 2 सदस्य शामिल हुए। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं प्रदर्शनी के बारे में। देखिए प्रदर्शनी जो है बहुत ही प्रमुख रही है, इसकी 3 प्रदर्शनी हुई थी। पहली प्रदर्शनी 1944 में हुई थी, और दूसरी प्रदर्शनी जो है उसकी 1945 में हुई थी, और तीसरी प्रदर्शनी जो है इनकी वो 1950 में हुई थी, लेकिन संयुक्त प्रदर्शनी हुई थी पैक ग्रुप के साथ। तो आप उसको नोट करेंगे क्योंकि प्रदर्शनी के बारे में पूछा जाता है, और इससे कलकत्ता ग्रुप में से काफी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रदर्शनी जो है, प्रथम प्रदर्शनी जो है इनकी वो कब हुई थी, प्रथम प्रदर्शनी ये हुई थी इनकी 1944 ईस्वी, कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। ठीक है, तो इस प्रदर्शनी की, इस प्रदर्शनी की बहुत आलोचना हुई थी, बहुत आलोचना की गई, लोगों ने इस प्रदर्शनी के, इस प्रदर्शनी में शामिल किए गए चित्रों को भद्दे वह भोड़े, यानी कि बहुत बेकार, बहुत बुरे, भद्दे वह भोड़े कहा था, लेकिन अमेरिकी व जर्मन कला विद्वानों ने, अमेरिकी व जर्मन कला विद्वानों ने इनकी प्रशंसा की थी। क्या की थी, प्रशंसा की थी। तो किसकी की थी, कलकत्ता कला ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी हुई थी 1944 ईस्वी में, उसकी प्रशंसा की थी अमेरिकी व जर्मन कला विद्वानों ने। तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अमेरिका जर्मन कला विद्वानों ने किस ग्रुप की प्रशंसा की थी प्रदर्शनी की, या भद्दे या भोड़े किस कला ग्रुप की प्रदर्शनी को कहा है लोगों ने। तो ठीक है, अब इसकी हम दूसरी प्रदर्शनी के बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रदर्शनी, देखिए दूसरी प्रदर्शनी आपकी 1945 ईस्वी में हुई थी कलकत्ता ग्रुप की, कहाँ हुई थी, ये भी मुंबई में हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी प्रदर्शनी की, तीसरी प्रदर्शनी के बारे में। तो तीसरी प्रदर्शनी जो है,
तीसरी प्रदर्शनी ये कहाँ हुई थी? ये आपकी 1945 सॉरी 1950 ईस्वी में हुई थी, ठीक है 1950 ईस्वी में, ये भी मुंबई में हुई थी और ये संयुक्त हुई थी मुंबई में पैग ग्रुप के साथ। कहाँ हुई थी? मुंबई में पैग ग्रुप के साथ हुई थी संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से, ठीक है। तो देखिए इसमें से बहुत सारे पॉइंट बनते हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। कलाकारों के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है, प्रदर्शनी के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है, उसकी स्थापना के बारे में पूछ लिया जा सकता है। तो ये कला ग्रुप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है माना जाता है, तो इसमें से क्वेश्चन काफी बार पूछे भी गए हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था, नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपको आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो अगर आपको हमारा जो चैनल पर प्रस्तुत ये जो वीडियो है अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें रिप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद, आप इसे नोट कर लेंगे।